डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं श्याम वशिष्ठ। आज का लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, एंड विच इज़ मार्जिनल कोस्टिंग, यानी सीमांत लागत। कोस्ट अकाउंटिंग को अगर हम देखें तो प्रोसेस कोस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग है, इंटीग्रेटेड कोस्टिंग है, लेकिन मार्जिनल कोस्टिंग बिल्कुल अलग है। किसी भी कोस्ट में फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स और उससे पहले प्राइम कोस्ट, ये सब चीज़ें मिलती हैं। आपको पता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ओवरहेड्स तीन तरह के होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, ऑफिस ओवरहेड्स हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं। कुल मिलाकर के जब हम बात करते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली चार्जेबल टू द गुड्स, जैसे कैरेज इनवर्ड्स है, रॉयल्टी है, एक्साइज ड्यूटी है, इन सबको मिला करके हमारी प्राइम कोस्ट मिलती है। और प्राइम कोस्ट में अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को जोड़ देते हैं तो ये फैक्ट्री कोस्ट या वर्क्स कोस्ट बनती है। इसमें हम ऑफिस ओवरहेड्स को जोड़ते हैं तो हमारी ये एस्टेब्लिशमेंट कोस्ट बनती है, और इसमें अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये जो कोस्ट आती है हमारी, ये हमारी कोस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कोस्ट जिसे कहते हैं। और सेल्स में से अगर इसे माइनस कर दिया जाए तो हमारा प्रॉफिट या लॉस एज द केस में भी वो हम डेराइव कर सकते हैं। सवाल उठता है कि सीमांत लागत क्या है। देखिए, ICMA लंदन ने जो डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग मार्जिनल कोस्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय विच एग्रीगेट कोस्ट आर चेंज्ड इफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय वन यूनिट। इट इज वेरिएबल कोस्ट one unit of a product or a service, that is a cost which would be avoided if that unit was not produced or provided. इसका मतलब क्या हुआ कि उत्पादन जो हम कर रहे हैं उसमें एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करना या एक इकाई को कम करने से कुल लागत में, कुल प्रोडक्शन लागत में जितना अंतर वो आपकी सीमांत लागत है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 500 यूनिट्स बना रहे हैं और 500 यूनिट्स को बनाने का खर्चा 5000 रुपये आ रहा है, तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी 10 रुपये पर यूनिट हो गई है। अब अगर हम 500 के बजाय 499 अगर बना रहे हैं तो ये कॉस्ट 10 रुपये घट जाएगी, और अगर 501 बनाएंगे तो भी ये 10 रुपये बढ़ जाएगी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि पर यूनिट कॉस्ट जो आपकी है वही आपकी मार्जिनल कॉस्ट भी है, यानी सीमांत लागत। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू पर यूनिट कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो इस तरह से इसे समझने की ज़रूरत है। सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट हम क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या हैं। सबसे पहले तो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट की एक बेटर नॉलेज होगी, हमें इफ़ेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल मिलेगा क्योंकि हमें पर यूनिट कॉस्ट का पता है, फिक्सेशन ऑफ प्रोडक्शन लेवल और ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में आपको बताऊँगा, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, हेल्पफुल इन द टाइम्स ऑफ डिप्रेशन, हेल्पफुल इन टेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजंस, हेल्पफुल इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। क्योंकि प्राइस डिटरमिनेशन या फिक्सेशन ऑफ प्राइस बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोडक्शन हाउस के लिए, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए। और हैरोल्ड कुंटज की ये डेफिनेशन है कि द बिजनेस ऑफ बिजनेस इज बिजनेस, मीन्स द बिजनेस ऑफ
बिजनेस इज बिजनेस, यानी जो मोटो है बिजनेस का वो है प्रॉफिट अर्न करना। एंड अनटिल एंड अनलेस हम किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर पाते हैं, हम उससे होने वाले लाभ की गणना नहीं कर सकते, आकलन नहीं कर सकते, हमारा व्यवसाय दूर तक नहीं जा सकता। अब तरीका क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, प्राइम कॉस्ट में तीनों ओवरहेड्स को जोड़ करके टोटल कॉस्ट जो आपकी आती है, तो टोटल कॉस्ट में हम एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मार्जिन हम वो जोड़ते हैं, तभी जा करके सेलिंग प्राइस हम फिक्स कर पाते हैं। कुछ दिक्कतें आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, जिससे हम मार्जिनल कॉस्टिंग को किस तरह से निकालें या किस तरह से उसको डेराइव करें, वो क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें डिफ़िकल्टी इन डिवीजन ऑफ कॉस्ट इन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कैटेगरीज। हालांकि बहुत सारे इस तरह के उदाहरण आपको मिलेंगे जो बहुत आसान हैं, जो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, यानी साधारण भाषा में कहूँ तो रेकरिंग एक्सपेंसेस, फिक्स्ड कॉस्ट जैसे किसी भवन का किराया है। लेकिन कई सारे ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो कि सेमी फिक्स्ड भी होते हैं, उनका सही वर्गों में निर्धारण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो डिफ़िकल्टी इन प्राइस डिटर्मिनेशन, ये दीर्घकाल में किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी कुल उत्पादन लागत से कम नहीं हो सकता, जिनमें स्थिर और परिवर्तनशील लागतें यानी फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट शामिल होती हैं। तो केवल शॉर्ट टर्म में या अल्पकाल में हम कहेंगे ज़्यादा कंपटीशन की स्थिति में या डिप्रेशन पीरियड कोई है, अवसाद काल जिसे कहेंगे, उसमें ही सीमांत या परिवर्तनशील लागत मूल्य में सहायक होती है। आज के मॉडर्न एरा में, आधुनिक युग में, उत्पादन मूल्यवान यंत्रों की सहायता से होता है, जिसके कारण स्थिर व्ययों में बहुत वृद्धि हो गई है। इसलिए प्राइस डिटर्मिनेशन की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ ओवर प्राइस्ड हो जाएगी तो वो मार्केट में बिकेगी नहीं, और अंडर प्राइस्ड रहेगी तो हमारे लिए लॉस होगा। जो कॉस्ट है वही अगर एब्जॉर्ब नहीं हो पाई, जो कॉस्ट है वही अगर हम उसको रियलाइज़ नहीं कर पाए, तो हम लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, हमारा बिजनेस घाटे में चला जाएगा। इसलिए हम सीमांत लागत में, मार्जिनल कॉस्टिंग में, ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? सम विच्छेद बिंदु, एक ऐसा पॉइंट जहां पर ना लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है, और ये हर संस्था को निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है किसी व्यवसाय को शुरू करने से पहले। क्योंकि देखिए, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, चाहे उत्पादन बढ़े या घटे, वो तो फिक्स ही रहेंगी। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी बढ़ेगी। सेल्स आरंभ से ही शून्य होता है, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे सेल्स हमारी बढ़नी शुरू होगी। तो ऐसा बिंदु जहाँ पर टोटल सेल्स की जो लाइन है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी टीवीसी की लाइन को काटेगी, और वो जो बिंदु है, वो जो पॉइंट है, उस पॉइंट को हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। इससे ऊपर जितना प्रोडक्शन बढ़ाएगी कोई भी संस्था वो लाभ की स्थिति में होगी, और इससे नीचे जो हिस्सा रहेगा वो हमारा रहेगा लॉस का। अब एक चीज़ होती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये जो पॉइंट है जहाँ हमने सम विच्छेद बिंदु या जिसे कहेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट निकाला है, वहाँ से अगर हम ग्राफ बनाएं इसका और एक वर्टिकल परपेंडिकुलर एक लंब हम डालेंगे ओ एक्स एक्सिस पर हम आउटपुट या क्वांटिटी लेते हैं, और इसमें ओ वाई एक्सिस पर हम कॉस्ट एंड सेल्स लेते हैं इन रुपीज़ ऑफ कोर्स, और जो आउटपुट और क्वांटिटी है वो यूनिट्स में होगी। तो हम ओ एक्स एक्सिस पर जहाँ आउटपुट
और क्वांटिटी हमने ली है वहाँ वर्टिकल परपेंडिकुलर इस पॉइंट से जहाँ पे TS और TVC एक दूसरे को काट रहे हैं, वहाँ एक परपेंडिकुलर अगर हम डालेंगे तो वहाँ पे उस परपेंडिकुलर से आगे का हिस्सा फिक्स्ड कॉस्ट वाली जो हमारी लाइन है उससे नीचे का जो हिस्सा है और परपेंडिकुलर से वर्टिकल परपेंडिकुलर से आगे का हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये शो करता है हमारे ब्रेक इवन पॉइंट को। तो ब्रेक इवन चार्ट में मैं आपको ये चीज़ आगे के लेक्चर्स में भी समझाऊंगा और संभव हुआ तो इस लेक्चर में भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो हम सब के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है। जहाँ तक बात है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें उनकी गणना करनी पड़ती हैं, तो सबसे पहले इसमें हम अंशदान को देखेंगे, यानी जिसे कहेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन डिनोटेड बाय सी। अब सी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स, ये दो चीज़ हम इसमें लेते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, या इसे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को जोड़ करके भी हम इसकी गणना कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि S माइनस वी इज इक्वल टू F प्लस P। इस तरह से हम ये अंशदान की गणना करते हैं। अंशदान स्थिर लागतों को वहन कर लेता है, फिक्स्ड कॉस्ट को एब्जॉर्व कर लेता है, और फिक्स्ड कॉस्ट को वहन करने के उपरांत लाभ शेष रहता है। जब तक स्थिर उपरिव्यय यानी फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं बढ़ेंगे, तब तक फिक्स्ड कॉस्ट को वहन करने के बाद उत्पादन में प्रत्येक वृद्धि होने पर कंट्रीब्यूशन में वृद्धि होगी, और अतिरिक्त अंशदान यानी एडिशनल कंट्रीब्यूशन में एक रुपये की वृद्धि लाभ को बढ़ाएगी। अतः अधिकतम अंशदान की प्राप्ति हेतु यानी मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन को अवेल करने के लिए सभी प्रकार के प्रयास की प्रत्येक संगठन में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। अंशदान के लाभ क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? देखिए, इससे सम विच्छेद बिंदु अंशदान के बिना हम नहीं निकाल सकते। अंशदान की सहायता से हम प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं, नए उत्पादन को बढ़ाने या पुराने उत्पादन को बाजार से हटाने का निर्णय कंट्रीब्यूशन के हिसाब से लिया जाता है, या प्रोडक्शन को जो हम प्रोड्यूस करते हैं और बाज़ार से ख़रीदने का निर्णय यानी मेक और बाय डिसीजन जो है वो कंट्रीब्यूशन से लिया जाता है। यदि उत्पादन में बहुत सारे विकल्प अल्टरनेटिव्स हमारे पास उपलब्ध हैं, तब अधिकतम अंशदान देने वाली विधि को हम चुनते हैं, यानी वही प्रोसेस हम अपनाते हैं जिससे मैक्सिमम हमें कंट्रीब्यूशन मिले और अधिकतम लाभ के उद्देश्य से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उससे उपयुक्त जो प्रोडक्ट मिक्स है, उत्पादन मिश्रण जिसको कहते हैं, उत्पाद मिश्रण जो कहते हैं, उसको चुनने में भी अंशदान सहायता करता है। तो ये जैसा आपने देखा ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और मार्जिनल कॉस्टिंग में जहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन आता है वहाँ कंट्रीब्यूशन मैंने बताया एस माइनस वी और एफ प्लस पी। एस है सेलिंग प्राइस और वी है वेरिएबल कॉस्ट, एफ है आपका फिक्स कॉस्ट एंड पी इज प्रॉफिट। अगर हम देखें तो टोटल कॉस्ट में आपका क्या शामिल होता है? टोटल कॉस्ट में जो शामिल है वो फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, और अगर हम इसे सेलिंग प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो सेलिंग प्राइस में क्या शामिल है? सेलिंग प्राइस में आपका फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, उसके बाद आपका प्रॉफिट है। तो आप कह सकते हैं S यानी सेल्स इज इक्वल टू F यानी फिक्स कॉस्ट प्लस V यानी वेरिएबल कॉस्ट प्लस P यानी प्रॉफिट। तो अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो दैट विल कम एज S माइनस V इज इक्वल टू F प्लस P, यानी दोनों ही ये कंट्रीब्यूशन को दर्शा रहे हैं। अब एक होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो जिसे PV रेशो हम कहते हैं, लाभ मात्रा अनुपात अंशदान और विक्रय के संबंध को दिखाता है, यानी इसका दूसरा नाम जो है वो कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो भी है। ये रेशो विक्रय की मात्रा में बदलाव के कारण लाभ के बदलाव को दर्शाता है।
यानी अगर इफ वी चेंज द सेल्स इट विल शो द चेंज इन प्रॉफिट ऑल्सो। देन अंशदान में विक्रय मूल्य का भाग दे करके 100 से गुणा करके इसको निकालते हैं। तो इसका सीधा सा जो सूत्र इसका फॉर्मूला हुआ पीवी रेशियो का वो क्या हुआ, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आपका आ गया पीवी रेशियो। अगर आपको सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है तब हम इसे कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पहले बताया कॉन्ट्रीब्यूशन हम डिराइव कर लेंगे और ये कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो है। तो कैसे निकालेंगे, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे और सेल्स से इसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। एस माइनस वी डिवाइड बाई एस यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई सेल्स एंड मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट विल कम योर पी वी रेशियो। एक स्थिति ऐसी हो सकती है जब फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दिए हुए हों, तो मैंने बताया था एस माइनस वी इज इक्वल टू एफ प्लस पी। तो एफ प्लस पी डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100 ये भी आपको पी वी रेशो ही निकाल करके देगा। तो ये चीज़ें आपको मैंने बताया कि किस तरह से हम पी वी रेशो निकाल सकते हैं। अगर दो पीरियड्स की लाभ हानि या बिक्री दी हुई हो तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट में जो चेंज होता है और सेल्स में जो चेंज होगा हम उसे एसेस करेंगे। जैसे एक साल 1990 और दूसरा 1991, एक साल में सेल्स दी हुई है 10,000 रुपये, दूसरे में दी हुई है 2,000 रुपये, किसी कारण से कम हो गई। और उसी तरह से प्रॉफिट एक साल में दिए हुए हैं आपके 2,000 रुपये और दूसरे साल में दिए हुए हैं 500 रुपये। तो ये दोनों में ही आप देखेंगे कि नेगेटिव चेंज है यानी चीज़ें घट रही हैं। तो कोई बात नहीं, माइनस से माइनस कट जाएगा। पीवी रेशियो इसमें क्या निकालेंगे, इसका फॉर्मूला इसमें हो जाएगा चेंज इन प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड विल गेट पीवी रेशियो। जब आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी दी हुई है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने आपको बताया ब्रेक इवन पॉइंट के बाद का हिस्सा है। तो जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं वर्टिकल वो एक्स एक्सिस पर, तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब कुछ सूत्र इसके लिए हम देखते हैं कि हमें कंट्रीब्यूशन अगर निकालना होता है पीवी रेशियो की मदद से तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो। जबकि कंट्रीब्यूशन का साधारण सा आपको मैंने बताया था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। दूसरा वेरिएबल कॉस्ट अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सेल्स माइनस सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो, और सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो ये सूत्र में ब्रैकेट में है यानी सेल्स माइनस ब्रैकेट क्लोज सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो, दिस इज इन ब्रैकेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो। तो सेल्स में से सेल्स इनटू पीवी रेशियो हम करेंगे वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह से फिक्स कॉस्ट भी हम डिराइव कर सकते हैं, उसके लिए शुरू से ही ब्रैकेट में सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो, इसे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसमें से प्रॉफिट घटा देंगे। अब देखिए घूम फिर करके वही चीज़ें आ रही हैं, जो बेसिक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो फिर कोई समस्या इसमें नहीं होने वाली है। इसके बाद फॉर कैलकुलेटिंग एडिशनल सेल्स रिक्वायर्ड टू कवर एडिशनल फिक्स्ड एक्सपेंडिचर यानी अतिरिक्त जो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, स्थायी व्यय हैं, उनकी पूर्ति के लिए जो एडिशनल सेल्स की गणना हमें करनी है यानी रिक्वायर्ड एडिशनल सेल्स अगर अमाउंट में हमें करनी है तो इसको निकालने का तरीका है एडिशनल एक्सपेंडिचर्स यानी जितने एक्सपेंडिचर आपके बढ़े हैं सामान्य तौर पे, तो एडिशनल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। इसी तरह से डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए, इच्छित लाभ की प्राप्ति के लिए आवश्यक बिक्री की गणना अगर हमें करनी है तो रिक्वायर्ड सेल्स इज एफ सी प्लस डी पी डिवाइडेड बाई पी वी रेशियो। एफ सी क्या है, फिक्स कॉस्ट, और डी पी क्या है, डिजायर्ड प्रॉफिट।
तो एफ सी प्लस डी पी यानी फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पी वी रेशियो। तो इस तरह से हम डिजायर्ड प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि किस तरह से हमें गणना करनी होती है। मैं एक बार आपको एक दोहराने के लिए कुछ चीज़ें फिर से बता देता हूँ। यानी कंट्रीब्यूशन को हम निकालेंगे तो एस माइनस वी या एफ प्लस पी, जहाँ एस है सेल्स और वी है वेरिएबल कॉस्ट। जहाँ यूनिट्स की बात है कंट्रीब्यूशन को निकालने में, सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, और उसके बाद फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। यानी दोनों ही विधियों से हम कंट्रीब्यूशन को डिराइव कर सकते हैं। और उसके बाद पीवी रेशियो मैंने आपको बताया, तो पीवी रेशियो अगर हम देखेंगे तो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100, या इसको हम कैसे निकाल सकते हैं दूसरा, ये कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो है, तो सीधा सा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हमेशा परसेंटेज में आएगा क्योंकि हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट को निकालेंगे तो सेल्स मल्टीप्लाइड बाई पी वी रेशियो माइनस प्रॉफिट, तो हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। अगर हमें लेवल ऑफ सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट निकालना है तो फिक्स कॉस्ट यानी एफ सी प्लस डी पी यानी डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाई पी वी रेशियो। और इसी तरह से अगर वेरिएबल कॉस्ट हमें निकालनी है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, के सेल्स माइनस सेल्स इंटू पी वी रेशियो, और सेल्स इंटू पी वी रेशियो ब्रैकेट में है, यानी होल सेल्स में से ब्रैकेट शुरू करके उसके बाद माइनस क्या करना है, सेल्स इंटू पी वी रेशियो। और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट प्रॉफिट अगर हमें एक सेल्स दी हुई है या प्रॉफिट प्रेजेंट पोजीशन हम देखते हैं तो वो कैसे निकलेगी, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो इस तरह से हम ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या प्रेजेंट पोजीशन जिसे हम कहेंगे, उस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। एक चीज़ इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा और वो है आपकी सम विच्छेद बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट। सम विच्छेद बिंदु एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा पॉइंट है जिस पर विक्रय की राशि वस्तु को उत्पादित करने तथा विक्रय की लागत के बराबर हो, और ना तो लाभ हो और ना ही कोई हानि हो। ये इसकी हम डेफिनेशन दे सकते हैं। मार्ज कूरी एंड फ्रैंक की अगर मैं परिभाषा आपको बताऊं तो ब्रेक इवन एनालिसिस इंडिकेट्स एट व्हाट लेवल कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर इन इक्विलिब्रियम, यानी कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों आपकी बराबर हैं। और लेमैन्स लैंग्वेज में, साधारण भाषा में समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जहाँ पे वेयर देर इज़ नो लॉस नो प्रॉफिट, एंड दैट पॉइंट विल बी ट्रीटेड एज ब्रेक इवन पॉइंट। अगर इसको निकालना है यूनिट्स में तो बहुत सीधा सा इसका एक सूत्र है। वैसे तो इसको चार्ट के हिसाब से भी हम निकालते हैं, एल्जेब्रिक मेथड के हिसाब से भी निकालते हैं। अगर हम चार्ट के हिसाब से निकालेंगे तो ओ एक्स एक्सिस पे जो हम लेंगे वो है आपका कोस्ट, और क्षमा कीजिए, ओ एक्स एक्सिस पे आप लेंगे इसकी क्वांटिटी और आउटपुट, और ओ वाई एक्सिस पे हम लेंगे सेल्स एंड कोस्ट इन रुपीज़ या इन डॉलर्स, जैसी भी स्थिति है। और जो भी आपकी फिक्स कोस्ट है, फिक्स कोस्ट आपकी एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्योंकि मान लीजिए प्रोडक्शन पहले 5,000 है, फिर 10,000 है, फिर 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, इट हार्डली मैटर्स। तो जितना भी प्रोडक्शन होगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए, जब फिक्स कॉस्ट की हम बात करते हैं तो फिक्स कॉस्ट की लाइन तो हमेशा हॉरिजॉन्टल और सीधी रहेगी, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है, कितना भी प्रोडक्शन घटे या बढ़े उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह से अब फिक्स कॉस्ट की लाइन जहाँ पर है, उस लाइन की जड़ से आपकी वेरिएबल कॉस्ट की लाइन शुरू होगी। यानी जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा ज़ीरो से लेकर के और ऊपर तक जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25 हज़ार यूनिट, 30,000 यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऊपर तक जाएगा, तो ये आपकी एक लाइन, डायगनल एक लाइन ऊपर जाएगी,
जो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को दिखा रही है, जिसे हम टोटल कॉस्ट लाइन भी हम बोल रहे हैं, तो वहाँ से ये जाएगी क्योंकि फिक्स कॉस्ट के साथ अटैच होकर के ऊपर जा रही है। और सेल्स व्यापार के आरंभ में ज़ीरो होती है, तो वहाँ से हम सेल्स की लाइन को हिसाब प्रोडक्शन के हिसाब से हम देखेंगे, और ये एक बिंदु पर क्रॉस करेगी आपकी टीवीसी को, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की लाइन को, या टोटल कॉस्ट लाइंस भी हम इसे कह सकते हैं। तो वहाँ पर जब इसे टच करेगी वो बिंदु, अब इससे हम हॉरिजॉन्टल जो परपेंडिकुलर है वो डालेंगे आपके ओ वाई एक्सिस पर, और ओ एक्स एक्सिस पर जहाँ हमने आउटपुट इन यूनिट्स लिया है वहाँ पे एक क्वांटिटी ली है, तो वहाँ हम ये यूनिट्स में भी वहाँ वर्टिकल परपेंडिकुलर वहाँ डाल सकते हैं। तो जब हम देखेंगे कि जो बिंदु जिस पे टोटल सेल्स की लाइन टोटल कॉस्ट की लाइन को काट रही है, ये पॉइंट आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। जैसे मैंने पहले ही बताया, इससे नीचे का हिस्सा लॉस का एरिया है, इससे ऊपर का हिस्सा प्रॉफिट का एरिया है, और इस वर्टिकल परपेंडिकुलर के बाद का जो हिस्सा है ये आपका है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हिस्सा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। और अगर हम इसकी यूनिट्स में गणना करना चाहते हैं एलजेब्रिक फार्मूला के मेथड से, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट को सिंपली आपने करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड, तो ये यूनिट्स में आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, यानी फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ कोर्स इन रुपीज़ या डॉलर्स, जो भी आपकी यूनिट है वहाँ मनी और उसको मेजर करने की, तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और जहाँ पे हमें ये यूनिट्स की बजाय रुपीस में निकालना है वहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट को हम डेराइव करेंगे फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशो, तो ये आपका रुपीस में निकल आएगा। ये इसको निकालने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई सेल्स प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड बाई सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, शॉर्ट में कहेंगे एफ सी मल्टीप्लाइड बाई एस पी डिवाइड बाई सी पर यूनिट। या एक और तरीका इसका हो सकता है, बहुत साधारण तरीका, अब वो क्या है, एक्चुअल सेल्स इन रुपीस माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, तो इस तरह से हम ये ब्रेक इवन पॉइंट को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आज के लेक्चर को अब हम यहीं विराम देते हैं, आपको मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन पॉइंट, कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशो, डिज़ायर्ड सेल्स एंड डिज़ायर्ड प्रॉफिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इन सब चीज़ों के लिए हमने आज आपको बताया है, तो आप गंभीरता से इसको लें, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इससे आगे का काम मार्जिन कोस्टिंग वगैरह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।